छोटे तेरे लिए कॉस्ट्यूम बना के लाया हूँ। अरे तुमने कैसे बना ली? मैंने सुना तुम तो लोहार हो। मैं लोहार नहीं, लोहार का काम जानता हूँ तो लोहार हो गया मैं, आयरन मैन हूँ मैं। हाँ हाँ वही, लेकिन तुमने ये बना कैसे ली? मैंने सिलाई बुनाई कढ़ाई का भी कोर्स कर रखा है, इसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका करना क्या है? छोले बेचने। मैं जुर्म को रोकना है और क्या करेगा। ओह अच्छा अच्छा समझ गया। अगर तू सही से काम करेगा ना तो मैं तेरे को एवेंजर्स की टीम में भर्ती कर लूंगा। अच्छा हाँ तो भर्ती होने के लिए एग्जाम भी देना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, एग्जाम देगा तो पास हो जाएगा तू। छोटी मोटी चोरियों को रोक, समझ ले यही तेरा एग्जाम है। लेकिन मुझे पता है तू इस एग्जाम को तो यूं ही पास कर लेगा, फिर समझ ले तेरी एवेंजर्स की टीम में चाय वाले की पोस्ट पक्की। और कुछ पूछना है? हाँ ये बताओ, मैंने सुना है जहाँ पे एवेंजर्स रहते हैं वहाँ पे सब कुछ खाने को फ्री मिलता है। अरे हाँ और क्या। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ चल अब निकल यहाँ से। अरे हग क्यों कर रहे हो? अबे हंगूंगा क्यों यार, मैं तुझ पे गेट खोल रहा हूँ। क्यों हड्डियों पे जोर डाल रहा है, टूट जाएगी ये कार। और तू ये क्या कर रहा है? वे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हंसो बेटा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। अंकल मुझे हंसी नहीं आ रही। अरे बेटा मुझे भी कहाँ आ रही, ये तो रीति रिवाज है, यहाँ जो आता है वो समझ लो हंसता ही है। बेटा कोशिश करो नकली हंसना, सेहत अच्छी हो जाती है। अच्छा अंकल। मैंने तेरे को हफ्ता लेने भेजा था, ले आया? भाई उसके लिए ही तो भेजा था मैंने छोटा छतरी को, उसने कहा हफ्ता निकालो, सबने उसे हफ्ते तक मारा, फिर बाद में दिया पुलिस को। जब मेरे को पता लगा ना तब मैंने आपको आके बताया। तो गन लेके नहीं गया था क्या? छुआ भाई नहीं ले गया, एक डंडा ले गया था, वही डंडा सबने उसमें बजाया। अगर गन ले जाता तो आपको पता ही है लोहे की चीजें कितनी तेज लगती हैं, इसलिए मैंने उससे मना करा था कि गन मत ले जा। अबे तो तूने उसे क्यों भेजा, तू नहीं जा सकता था क्या? भाई मेरे जाने से भी क्या होता, हफ्ता तो फिर भी नहीं मिलता। मतलब तू भी उनसे पिटता? नहीं भाई मैं सबको ही मार देता, फिर कोई बचता ही नहीं हफ्ता देने के लिए, मैं किससे हफ्ता मांगता। चल फिर इस बार तू जाइयो। मैं कुछ मदद करूं? कौन है तू? मैं वो हूँ जो अच्छे अच्छे चोरों को उनके असली घर पहुंचा देता है। ऑटो वाला? अबे स्पाइडरमैन हूँ मैं। अबे पिछली बार की धुलाई भूल गया क्या? तुझे पिटने का ज्यादा शौक है क्या? अगर जान प्यारी है तो यहाँ से निकल ले। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो। नहीं तो क्या, पीटेगा तू मेरे को? पीटूंगा नहीं, पिटवाऊंगा। क्या? चोरी करना बुरी बात। अरे नहीं मैं चोर नहीं हूँ, ये तो मेरा ही लॉकर है, मैं इसकी चाबी घर भूल गया हूँ। ओ हाँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है पीछे हटो। थैंक यू हल्क जी। थैंक्स की जरूरत नहीं, हल्क जाता है। हाँ ठीक है। किस्मत चमक गई। देख छोटे ये मत समझियो कि मैं उस दरिंदे से डर के ये तेरे को कॉस्ट्यूम दे रहा हूँ, ठीक है? समझ गया? और मेरी कुछ शर्तें भी हैं जो तेरे को माननी पड़ेंगी। मिस्टर स्टार्क बुरा मत मानना, लेकिन मुझे शर्त लगाना पसंद नहीं है। मुझे शर्त लगाना नहीं पसंद। अरे क्या बकवास कर रहा है, पेच ढीला है क्या तेरा? मेरे ख्याल से आपने मेरी कॉस्ट्यूम में तो पेच लगाया नहीं है, शायद आपकी कॉस्ट्यूम में लगा होगा, वही ढीला हो गया होगा। चुप कर, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से कान खोल के सुन। ये कॉस्ट्यूम मैंने तेरे को दे तो दी है, लेकिन इसे दोबारा मेरे को लेने पे मजबूर मत करियो। अगर मैंने सुना कि तू किसी से पिटा है तो ये कॉस्ट्यूम मेरे हाथों में होगी। मेरी कॉस्ट्यूम आपको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, ये नौबत मैं कभी आने ही नहीं दूंगा। आवाज ये हुई ना बात, चल अब चलते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? हम उस दरिंदे को पकड़ेंगे तो कोई प्लान तो होना चाहिए उसे पकड़ने के लिए। देख छोटे,
ये प्लान वगैरह कमजोर लोग बनाते हैं, हम जैसे सुपर हीरो नहीं। लेकिन सर जब मैं बिना प्लानिंग के एग्जाम में जाता था ना तो फेल हो जाता था। अरे एग्जाम में प्लानिंग की क्या जरूरत है, बस लिखना ही तो होता है। सर लिखूंगा भी तो जभी जब मेरे पास नकल होगी, और नकल के लिए प्लान तो बनाना ही पड़ता है। सर आपने नहीं बनाया क्या नकल के प्लान? ये कह के तू मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है? सर मैं कोशिश नहीं करता, डायरेक्ट कर देता हूँ। चल अब जल्दी चल, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। अरे ये क्या? हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? इतने भले इंसान को दुनिया से उठा लिया।